आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। देपालपुर नगरीय क्षेत्र की बेटमा रोड स्थित हाजी मुबारक के घर के सामने से अतिक्रमण तोड़ने पर नगर परिषद पर भेदभावपूर्ण कार्यवाही करने का आरोप लगा है। दोनों ही पड़ोसी इस कार्यवाही को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना चुके हैं। एक पड़ोसी इस कार्यवाही को गलत बता रहा है तो दूसरा पड़ोसी इस कार्यवाही को सही बता रहा है। मामले को गरमाता देख नगर परिषद CMO चंद्रशेखर सोनिस मौके पर पहुंचे, मौके का निरीक्षण किया। CMO ने कहा कि हमने कोई भेदभावपूर्ण कोई कार्यवाही नहीं की है, अतिक्रमण था, शिकायत आई थी तो हमने कार्यवाही की थी। इधर हाजी मुबारक का कहना है कि मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, चिल्ड वाटर का कामकाज है मेरा, जिससे मैं घर चलाता हूँ। मेरे पड़ोसी ने शिकायत की थी कि मैंने अतिक्रमण कर लिया है। नगर परिषद देपालपुर में नोटिस देकर मेरे घर के सामने से नाली का अतिक्रमण हटा दिया, जबकि मेरे पड़ोसी के घर के सामने भी अतिक्रमण है, उसे भी हटाया जाए। कुतुबुद्दीन खुशबू का कहना है कि मैंने सही शिकायत की थी, इसलिए नगर परिषद देपालपुर ने कार्यवाही को अंजाम दिया है। मेरे घर के सामने अतिक्रमण बता रहे हैं, अगर अतिक्रमण है तो तोड़ दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। फिर भी मेरे घर पर सीमो साहब आए थे, उन्होंने पूरी जानकारी ली, जानकारी सही पाई गई। मैंने जिस युक्ति का नाम दिया था उस युक्ति घर पे चेक करने वो आए थे, उन्होंने पूरी जानकारी दे के मैं उस जगह सही था। उन्होंने 8 फीट दीवार बना दी थी सरकारी ज़मीन पे, नाली सरकारी नगर पंचायत की नाली के ऊपर अतिक्रमण कर दिया था। दोनों साइड दीवार बनी 8 फीट, उन्होंने 8 फीट दीवार बनी और मेरे घर के सामने 52 फीट रोड पे भी दीवार पे नाली पे उन्होंने मजदूर ठेकेदार से वो डोर खिंचवा के और नप्ती करवा रहा था। फिर मैंने यहाँ पे आवेदन दिया, नगर पंचायत में आवेदन दिया, SDM साहब कार्यालय में आवेदन दिया, थाने पर आवेदन दिया, फोटो सहित आवेदन दिया। फोटो भी मेरे पास सारे फोटो मिलेंगे। फिर नगर पंचायत की टीम गई, उन लोगों से भी उन्होंने अभद्र व्यवहार करा। पास के हमारे पास में मुबारक हाजी है, उन्होंने ऐसा ऐसा काम करा। मैं मन कर रखा था और कल टीम द्वारा थोड़ा अतिक्रमण तोड़ा गया, उसका निरीक्षण करने के लिए बहुत परीक्षण करने के लिए मैं आया था। भेदभाव का कार्रवाई किस हिसाब से बोल रहा, मतलब क्योंकि भेदभावपूर्ण कार्रवाई तो बोल ही सकते हैं, क्योंकि सरकारी जमीन थी उसका हमने कार्रवाई की है। पास अगर अतिक्रमण दिख रहा है मुझे, इनको भी नोटिस देके कार्रवाई की जाएगी। मिले जुले लोगों से मिल के मेरे ऊपर साथ भेदभाव करा, पूरे गांव पर नाली के ऊपर अतिक्रमण है और मैंने अतिक्रमण नहीं करा। मेरे यहाँ पानी का काम चलता है, चिल्ड वाटर का, गांव की सुरक्षित का सवाल है, इसलिए मैंने जो है अपनी नाली को थोड़ी ऊंची करके ताकि कर्मचारी को सफाई करने में तकलीफ ना हो, इसलिए मैं उस नाली को ऊंची करके जाली लगाना चाहता था। उस पर CMO ने एक तरफा भेदभाव करके मेरा जो जुड़ाई करी थी, मैंने ईंट की चुनवाई थी 1.25 फीट रोड से बेटमा रोड के, उससे 1.25 फीट ऊंची सिर्फ मात्र करी थी, उसको तोड़ दी। उसके बाद साइड से रोड नीचे है, मैं ब्लॉक लगाना चाहता था जिससे गंदगी ना हो मेरे चिल्ड वाटर के सामने। तो आप बोल रहे हैं, बोले इस पे ब्लॉक लगाओ, बाकी साइड से जुड़ाई मत करो, निर्माण मत करो। लेकिन निर्माण नहीं करूंगा मैं तो ब्लॉक कैसे रुकेंगे मेरे, वो तो धसेंगे। रोज का झगड़ा होगा पड़ोसी से विवाद, मैं कब तक विवाद करूंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।